दवी सरस्वती जयमुदीर ये नष्टाए भद्रेशु नि भागवत सेवया भगवत भक्ति नैष्टि कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुम गोविंदय नमो नम संश्लोकौर कृपया तो जातश्रद्धो मकता निर्विण्ण सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान् कामान् परित्यागेप्यनीश्वर ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्दृढ़ निश्चय जुषमाणश्चतान् कामान्

दुख दुख आत्मकान से निर्मित कामान सभी प्रकार की तृप्ति परित्यागे परित्याग करने में अभी यद्यपि अनश्वर असमर्थ ततः ऐसी श्रद्धा के कारण भजेत पूजा करे माम, मेरी प्रीतः सुखी रहते हुए श्रद्धालु श्रद्धावान, दृढ़ पक्का, निश्चय संकल्प जुषमाण मे संलग्न भी, तान उन, कामान इंद्रतृप्ति दुख दुख उदर्का देने वाले च, भी, गर्हयन के लिए पश्चाताप करते हुए अनुवाद और तात्पर्य कृष्णकर्मा मूर्ति शिल्पोपाध जी के शिष्यों के द्वारा शिल्प की भगवान उद्धव उद्धव जी को इस उपदेश बता रहे हैं क्योंकि भागवत के ग्यारहवें स्कंद पाँचवें अध्याय से लगभग पच्चीस अध्याय में भगवान जो तो उद्धव गीता बताते हैं उसमें अनेक रहस्यों को भगवान बताते हैं अपने भक्तों को कैसे भक्ति में आगे बढ़ना बताते हैं हे उद्धव हाँ, मेरे यश की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न करके सारे भौतिक कार्यों से ऊब कर आओ यह जानते हुए भी कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति दुखदायी है किंतु इंद्रिय भोग त्याग पाने में असमर्थ मेरे भक्त को चाहिए कि वह सुखी रहे और अत्यंत श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा करे कभी कभी इंद्रिय में लगे हुए भी मेरा वक्त जानता है कि समस्त प्रकार की इंद्रिय परिणाम और वह ऐसे कार्यों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता है सब लोग पीछे दोहराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन uh, है मेरे यश की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न करके सारे बौद्ध कार्यों से ऊबकर और यह जानते हुए भी कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति दुखदायी है किंतु इंद्रिय भोग त्याग पाने में असमर्थ मेरे भक्त को चाहिए कि वह सुखी रहे और अत्यंत श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा करें कभी कभी इंद्रिय भोग में लगे रहते हुए भी मेरा भक्त जानता है कि समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख है और वह ऐसे कार्यों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता है इसको संक्षिप्त रूप में बोला जाए इस अनुवाद को इस प्रकार बताते हैं कि वैदिक साधना भक्ति में अगर कोई भक्त लग जाता हो लग, लगने के बाद उसका अनुभव होता है कि पूर्व वासनाएं उसको सताते हैं मन में कभी कभी हालांकि उसको भक्ति में आगे बढ़कर शुद्ध भक्त बनने की प्लान है वो योजना लेकर ही इस संस्था में जुड़ा है वो लेकिन जैसे गुड्स ट्रेन अगर आप इधर सडन ब्रेक लगाओ वो तीस फुट आगे जाकर रुकता है वो तुरंत तो रुकता नहीं जिस तरह ही एक फैन स्विच ऑफ कर दिया आपने स्विच ऑफ़ करने के बाद भी वो थोड़ा घूमता रहता है कुछ समय के बाद वो रुकती है इस तरह भक्ति मार्ग में भक्ति चालू करने के बाद भी तिलक पहनते हैं कंटी माला पहनते हैं जपा माला है वैष्णव जैसे ही दिखते हैं लेकिन कभी कभी पूर्व वासनाओं के कारण एक वैष्णव अपने इंद्रियों की इंद्र तृप्ति को त्यागने में असमर्थ है और उसका मनोभाव क्या होता है कुछ कुछ लोग अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं और कभी कभी अपने आप को कोसते हैं भक्ति में थोड़े उनके उत्साह घट जाता है सोचते हैं कि कुछ लोग आर्ग्यूमेंट भी करते हैं हरिनाम में क्या है? शक्ति नहीं है नाम करने के बाद भी हम में क्या परिवर्तन नहीं आया है मतलब क्या है तो हरिनाम का दोष नहीं है दोष हमारा है, है जैसे सूर्य जो है उसको बादल डक नहीं सकता लेकिन बादल हमारे नज़र को डक सकता है सूर्य तो बादल के बहुत ऊपर है हा? सूर्य को कैसे ढक सकता हो इस तरह हरिनाम में सत शत प्रतिशत शक्ति है लेकिन हम लोग हरिनाम को सही सुष्ट तरीके से ले नहीं पाते हैं इसलिए या तो भक्त हरिणाम को कोसता है नहीं तो नाराज हो जाता है नहीं तो हताश हो जाता है नहीं तो भक्ति को छोड़कर ही चला जाता है इधर बोला गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए भक्तों को क्या करना चाहिए इंद्रिय तृप्ति को न्या त्यागने में असमर्थ होते हुए भी जैसे भूमोस्खलित पादा भूमि रेवावलंबनम नामजातापराधा तमेव शरण प्रभो हे भगवान जिस तरह एक छोटा बच्चा शिशु धीरे धीरे धरती को पकड़कर उठता है जैसे टॉडलर बोलते हैं ना अंग्रेजी में टॉडलर बच्चा लेकिन ऐसे ऐसे थोड़ा चलता है वापस गिर जाता है धरती में ही हाँ लेकिन धरती का ही सहारा लेकर उठता है वो वापस, हाँ जिस धरती में गिर पड़ा उसी धरती का सहारा लेकर उठता है इस तरह हम भक्ति मार्ग को अपनाते समय अगर हम फिसल जाते हैं तो उसी भक्ति मार्ग का सहारा लेकर उठना चाहिए वापस ऐसे बताया गया है इसको छोड़कर कोई मूर्ख बनकर ज्ञानी बनने के लिए हिमालय में नहीं जाना चाहिए नहीं तो कोई दूसरे कुछ कर्मकांड देवी देवी देवताओं की पूजा अपने इंद्रियों का समर्पित करने के लिए अनेक लोग अनेक चीज़ें करते हैं वो सब नहीं करना चाहिए भक्ति मार्ग के द्वारा ही आगे बढ़ने के लिए यत्न करना चाहिए यही पॉइंट है इधर अभी तात्पर्य पढ़ेंगे पढ़ते पढ़ते तो धीरे धीरे हम आ, 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 आगे बढ़ेंगे तात्पर्य भगवान ने यहाँ पर शुद्ध भक्ति की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है कभी कभी इंसान को मन में एक प्रश्न उठता है हमारी श्रद्धा भी ऊपर जाता है नीचे जाता है ऊपर जाता है नीचे जाता है इस तरह हमारे इंद्रियों के ऊपर निग्रह भी ऊपर नीचे जाता है कभी हम इंद्रियों का निग्रह कर पाते हैं कभी कर नहीं पाते हैं तो ऐसा स्थिति कितना समय तक चलेगा ऐसे लोगों को मन में एक प्रश्न उठता है तो अगर आप अनर्थ निवृत्ति के संबंध में पढ़ेंगे उसमें व्यूढ़ विकल्प उत्साहमयी घनतरला व्यूढ़ विकल्प नियमाक्षमा ऐसे अनेक चीज़ बताए गए है उत्साहमयी का मतलब है, शुरुआत में अति उत्साह दिखाना लेकिन जैसे आपने वो कहानी सुना होगा एक खरगोश और कछुआ दोनों को रनिंग रे, रेस रखा गया लेकिन खरगोश थोड़े दूर जाने के बाद क्या किया वो सो गया है ना इस तरह कुछ लोग उत्साह के साथ भक्ति चालू करते हैं थोड़े एक दो साल होने के बाद उनके उत्साह घट जाता है हु? नहीं तो शुरुआत में उत्साहपूर्वक अपने आप को बहुत योग्य मान लेते हैं मैं इतने श्लोक याद कर दिया हाँ मैं भक्ति शास्त्री डिग्री प्राप्त कर लिया इसे हैं लेकिन वो आ, अपने में कमी देख नहीं पाता है उसको उत्साह में ही बोलते हैं और घन तरला का मतलब है घन का मतलब है गाढ़ा तरला का मतलब है तरल जैसे कभी दूध घन गन, घना होता है कभी ज़्यादा पानी मिला दिया उसमें तो तरल हो जाता है वो इस तरह कोई व्यक्ति कभी भक्ति में गंभीर होता है हाँ? कभी एकदम तरल बन जाता है हा? और डीला पड़ जाता है वापिस उठ जाता है डीला पड़ गया अभी और गंभीर बनो हाँ, उठ कर और गंभीर बनता है कुछ समय के लिए और वापस तरह, इसको घना तरला बोलते हैं उसको हम, और इस तरह व्यूढ़ विकल्प का मतलब है कभी कभी उसको लगता है कि क्या है माता पिता बीबी बच्चे ये सब लेकर हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे सब छोड़ दो चलो आश्रम में गुरु के आश्रम में जाकर रखो नाम जपो इतना तीव्रता से भक्ति करो भगवत लौट चलो बस ऐसे उसको लगता है लेकिन बाद में आश्रम में जाकर दो दिन रहेगा उसको घर का याद आता है वो सोचता है कि अरे घर के बिना हम रह नहीं पाएंगे हैं हमको बीबी बच्चे माता पिता सबकी ज़रूरत है वापस लौट जाएगा वो नहीं तो कोई विद्यार्थी है सोचता है कि हम ब्रह्मचारी बनेंगे उसको ब्रह्मचारी बनने की इच्छा होता है देखता है कि अनेक ब्रह्मचारी एकदम खुश हैं क्लीन शेव क्या है नाचते हैं गाते हैं एकदम वैकुंठ दुनिया में है लोग हैं हमको भी इनके समान परम आनंद का अनुभव करने की इच्छा है, है, है चलो साफ छोड़ छाड़ कर हम भी ज्वाइन करेंगे ऐसे इच्छा करते हुए कुछ विद्यार्थी आते हैं बड़े उत्साह के साथ लेकिन तो तीन महीना छः महीना होने के बाद उनको लगता है कि ये अच्छा है लेकिन जीवन भर कर नहीं पाएंगे हाँ लगता है थोड़ा इस दुनिया का भी चीज़ थोड़ा चाहिए ऐसे उनको लगता है इसको वीडो विकल्प बोलते हैं मन ऐसे ऐसे पेंडुलम जैसे हिलता रहता है और नियमाक्षमा का मतलब है एकादशी के दिन मैं चौंसठ माला करूँगा ऐसे शपथ लेता है कोई और बीस माला होने के बाद अनेक फ़ोन कॉल्स आते हैं उनको उसको लगता है कि हो नहीं पाएगा आज बहुत कुछ जिम्मेदारी बचा है पहले जिम्मेदारियों को पूरा कर कर करने के बाद समय मिलेगा तो माला भी करेंगे लेकिन समय मिलता भी नहीं माला करता नहीं है वो इस तरह नियमाक्षम मतलब नियम बनाना लेकिन उसको पालन करने में सक्षम नहीं रहना हा? इस तरह उत्साहमयी घन तला दिढ़ विकल्प नियमाक्षमा विषय संग्रह विषय संग्रह का मतलब है? जब विषय वासनाएँ इंसान को सताते हैं भक्त जानता है कि इस दुनिया में हम जो भी क्रियाएं करते हैं हमारे मन इंद्र तृप्ति की ओर उन्मुख होता है इंद्र तृप्ति को बढ़ाना चाहता हो लेकिन इंद्र तृप्ति का नतीजा है दुख जैसे भगवान बताते हैं ये ही संस्पर्श जा भोग दुख यो न ये ए बते आद्यंतवंत कौंते येषु नम ते ये रमते बुधा ऐसे बताते हैं कि इंद्र तृप्ति जो है वो कैसा है सेंस एडुकेशन इज प्रेगनेंट विथ मिजरी अभी कोई स्त्री गर्भवती है कुछ ही समय में वो डिलीवरी देने वाली है बच्चे का करेक्ट ना इस तरह इस दुनिया के विषय भोगों को स्पर्श करो करके वो क्या करेंगे आपको दुख देंगे वो हैं दुख डिलीवर करेंगे आपको किसी भी विषय आसक्ति हुआ आपके मन में वो विषय भोग के पीछे पढ़ो हंड्रेड परसेंट हम ये गारंटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं दुख मिलने ही वाला है जो इंद्रित के पीछे पड़ता है वो दुखित हो जाएगा हताश हो जाएगा वह इसलिए प्रपा जब अमेरिका गए उन्होंने पूछा कि अरे आप लोगों के पास पैसा की कमी नहीं बड़े बड़े सड़क है बड़े बड़े इमारतें हैं बड़े बड़े गाड़ी हैं अच्छा खाने खाने के लिए बहुत भोजन है अच्छा तंदुरुस्त और खूबसूरत शरीर है फिर भी बर्कली में पापा जी जब गए उधर एक बहुत लंबा एक ऊंचा बिल्डिंग था उधर से अनेक विद्यार्थी कूद कूद कर मरे आत्महत्या करके तो वो लोगों ने ऊपर के चत माले को बंद कर दिया ताकि कोई कूद नहीं पाएगा हम तो उसके बाद विद्यार्थियों रोकड़ी किसे कूदने लगे हैं ऊपर जाकर कूदने के बदले हैं तो बोलने का मतलब क्या है प्रौपद ने पूछा कि इतना पैसा इतना धन दौलत होने के बाद भी आप लोग नाखुश हो कारण क्या है आप इंद्र के पीछे पड़े हो हैं इंद्र के पीछे लालसा रख कर भागने वाला व्यक्ति को सिर्फ लात मिलेगा उसको हैं उसको सुख सुखी नहीं बनेगा कभी भी वो लेकिन ये जानने के बावजूद भी मन इंद्रिय भोगों के पीछे भागता है ये मन की निपट मूर्खता है हम जानते हैं कि मूर्खता है लेकिन बद्ध जीव उस मूर्खता को छोड़ने वाले जिसको विषय संग्रह बोलते हैं विषय संग्रह का मतलब है माल नहीं करना चाहिए फिर भी उसके पीछे जाता है वापस खींचो वापस जाता है ऐसे एक टगाफर होता है किंचाता नहीं होता है ऐसे विषय संग्रह ऐसे बोलते हैं तो तरंग नंगिनी का मतलब है अगर आप भक्ति में जुड़ गए एक खूबसूरत तिलक पहनो अच्छे कपड़े पहनो अच्छा प्रवचन दो अच्छी अच्छी तरह से भक्ति करो गाओ नाचो तो आप आपके अंदर एक खूबसूरती आ जाता है हुँ? भक्त लोग जो आपको देखते हैं जैसे एक चुंबक आकर्षित करता है लोगों को इस तरह लोग आपसे आकर्षित होते हैं और अनेक लोग आकर आपको पैसा देंगे आपको फेंट देंगे आपके गुणगान करेंगे आपको ऊपर उठाएंगे तो तरंग रंगणी का मतलब जैसे लहरें ऊपर उठते हैं इस तरह हमको भी वो ऊपर ऊपर उठाते हैं ऐसे ऊपर उठाते समय कुछ लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि सोचते हैं कि मेरे में क्या है कि इतने लोग मेरे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इस तरह सोच कर एक साधक का पतन होता है उससे तो ये सब अनर्थ हैं लेकिन अनर्थ को पार करके अगर कोई निष्ठा भक्ति में आ जाएगा निष्ठा भक्ति पहला स्तर है उसके आगे, आगे आपका श्रद्धा कभी कम नहीं होगा आपका वो दृढ़ श्रद्धा, जैसे आम का एक पौधा हो मार्केट से आपने लाया उसको उसको जमीन में डालकर उसको पानी भी सिंचन चालू किया आपने एकदम कोमल होता है हवा में ऐसे से हिलता हुआ कभी कोई आकर उसको जड़ से भी उखाड़ सकता है ऐसे आम के पौधे को लेकिन वही आम, आम के पौधे को पानी सिंचन करते जाओ तो तो इतना तो उसका तना, 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 तना बढ़ जाता है मोटा हो जाता है बड़ा होकर हजारों आम भी देता है वो उस समय कोई उसको उखाड़ सकता है क्या उसको हिला भी नहीं सकता तो निष्ठा भक्ति ऐसा है निष्ठा भक्ति प्राप्त होने के बाद एक व्यक्ति की श्रद्धा में ऊपर नीचे नहीं जाता उसके श्रद्धा जैसे एक पत्थर जैसे एकदम पहाड़ जैसे एकदम स्ट्रांग रहता है उसके बाद तो निष्ठा उसके बाद रुचि आसक्ति भाव प्रेम भगवान की कृपा से भक्त आगे बढ़ेगा ऐसे इसलिए इधर बताते हैं भगवान ने यहाँ पर शुद्ध भक्ति की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है प्रारंभिक अवस्था में श्रद्धा ऊपर श्रद्धा उठता है घटता है इस तरह रुचि भी कभी उठता है घटता है लेकिन निष्ठा भक्ति के बाद जो रुचि आता है वो उस निष्ठा के बाद जो आसक्ति रुचि आसक्ति आते हैं ना उस समय एक भक्त के मन में भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए बहुत रुचि जग जाता है कीर्तन में नहीं तो प्रवचन में नहीं तो, तो शास्त्र के पठन में भगवान के श्री विग्रह की पूजा आराधना में नहीं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह के अलग अलग सेवाओं में उसका रुचि बढ़ जाता है कभी वो आ, वो रुचि घटेगा नहीं वो बढ़ता रहेगा इसे निष्ठा के बाद और आसक्ति के स्तर पर जब व्यक्ति आता है उसका टारगेट सीधा भगवान का रूप है हा? पहले आस उसका रुचि था सेवाओं में अभी उसका रुचि आ गया भगवान के रूप में भगवान के रूप भगवान के गुण भगवान के लीला इत्यादि में आसक्ति के स्तर पर एक भक्त का मन बार बार भागता है और रुचि और आसक्ति में क्या फर्क है रुचि के स्तर पर कभी कभी मन इंद्रप्ति की ओर जाता है अचानक लेकिन लौट लौटा जाता है सेवाओं में लेकिन आसक्ति के स्तर में एक व्यक्ति का मन कभी भी इंद्र तृप्ति की ओर जाएगा ही नहीं कभी भी कदापि नहीं इतना ही नहीं आसक्ति के स्तर पर आपके परमिशन कृष्ण के मन, मन, की पीछे भागेगा कितना अच्छा है अभी हमारे परमिशन के बिना भागता है मन। उस तरह आसक्ति के स्तर में क्या होगा हमारे हमको पूछे बिना मन भागेगा कृष्ण के, के अचानक अचानक आप देखोगे कि कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इतने सर्व आकर्षक हो जाएंगे वो आसक्ति के स्तर पर उसके बाद ही भाव उदय होता है उसके बाद भाव प्रेम के सागर में भाव के लहरें उठते हैं तो इस तरह तब भगवान का स्फूर्ति भगवान का दर्शन इत्यादि होता है एक भक्त को सौस्वर्य सौकुमार्य सौंदर्य सौरभ्य भगवान के सुगंध भगवान के सुंदर स्वरूप भगवान की मुरली की बाज की मधुरिमा वो सब प्राप्त होता है भाव और प्रेम के स्तर में लेकिन हम लोग उधर पहुंचने के पहले अनर्थ नृत्य को क्रॉस करना पड़ेगा इधर जो बात चल रहा है जो भक्त श्रद्धा के साथ जुड़ा साधु संग किया भजन क्रिया चालू की अभी अनर्थ निवृत्ति चल रहा है लेकिन वो अनर्थों तो को देखकर या तो हताश हो जाता है नहीं तो नाराज़ हो जाता है नहीं तो लगता है कि वो निराशावादी हो जाता है, है। लगता है कि भक्ति भक्ति में आया हूँ हो सकता है क्या क्या मैं शुद्ध भक्त कभी बनूंगा क्या है। लगता है बहुत मुश्किल है हमने सुना है कि भक्ति तो बहुत सरल मार्ग है क्यों इतना तकलीफ है उसको अलग अलग चीज़ तकलीफ देते हैं उसके अहंकार तकलीफ देता है बुद्धि विविध शंकाओं को उत्पन्न करता है मन मुझे ये पसंद है ये नापसंद है मुझे ये वक्त अच्छा लगता है वो बता अच्छा नहीं लगता है इस तरह मन संकल्प विकल्प में, में फंसता है और इंद्रिया इंद्रिय भोग इंद्रिय के पीछे भागते हैं तो इस तरह एक साधक भक्त डर जाता है और इंद्रिय भी भाग रहे हैं मन भी संकल्प विकल्प में पड़ा है बुद्धि में अनेक शंकाएं हैं अहंकार के कारण मैं भक्तों के साथ मिलजुल कर प्रेम से रह नहीं पाता हूं इतने मेरे दुश्मन हैं, यानी कि बीच में रहकर मैं वक्त में आगे कैसे बढ़ूंगा ऐसे भक्त के लिए जवाब दिया है इस तात्पर्य में निष्ठावान भक्त ने यह जान लिया होता है कि सारे भौतिक कर्म इंद्र तृप्ति तक पहुंचते हैं और इंद्र तृप्ति से दुख उत्पन्न होता है ऑल एक्टिविटीज लीड टू सेंसुकेशन सेंसक्रेजुकेशन गिव सफरिंग इसलिए भक्त की हार्दिक इच्छा चौबीसों घंटे बिना किसी स्वार्थ के भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगे रहने की होती है तो भक्त सोचता है मैं कृष्ण की भक्ति छोड़कर दूसरा कुछ नहीं करना चाहता लेकिन मेरे नौकरी के लिए जाना पड़ता है परिवार के ऊपर भी ध्यान देना होता है hmm? ये सब चीज़ मेरे टाइम ले रहे हैं मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूंगा ऐसे कुछ लोग सोचते हैं हम बोलते हैं चौबीस घंटा करना है भक्ति लेकिन चौबीस घंटे भक्ति करने के लिए हमारे पास वो आध्यात्मिक योग्यता नहीं है इसलिए प्रभुपा जी ने अनेक सेवाएं दिया है क्योंकि सेवा करना नाम जपने से भी आसान है हुं? तो सेवा करके हम चित्त को शुद्ध कर सकते हैं और हालांकि हम बोलते हैं कि 24 घंटा भक्ति करना है लेकिन हमारे रजोगुण तमोगुण के प्रवृत्तियाँ अभी तक मिठे नहीं हैं तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयाश्च ये चेत ए तैरना प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगत भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग जायते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्य सर्व संशया क्षीयते जब ये आत्मा समझ जाता है कि भगवान ही मेरे ईश्वर हैं और उसकी सब शंकाएँ मिट जाते हैं और हृदय ग्रंथि जो है काम वासना और आसक्ति वो सब कट जाता है जब एक गुण पर आकर गुण से विशुद्ध सत्व की ओर जाता है जीव तब लेकिन उसके पहले बताया गया तदार रजस तमो बाबा हैं तो रजस और तमस को हमें पार करना पड़ेगा तो एक सुंदर उदाहरण दिया गया है भागवत में एक पेड़ से एक डाली को तोड़ कर लेके आओ हाँ, वो डाली को लेके आकर सीधा आप चूल्हे में डालोगे क्या आग निकलेगा एकदम गीला है वो हाँ, इसलिए जो गीला लकड़ी है उसको तमागुण से तुलना किया और धुआं निकलने वाली लकड़ी को रजोगुण गुण से तुलना किया और आग निकलने वाली काष्ट जो है उसको सत्तोगुण से हाँ दैट मीन्स रिसेंटली ब्रोकन ब्रांच स्मोकी ब्रांच एंड फायरी ब्रांच है स्मोकी वुड फायरी वुड तीन उदाहरण हैं तमोगुण रजोगुण, सत्वगुण तो सत्वगुण में स्थित जीव जो है वो भगवत साक्षात्कार करने के लिए उधर से आसानी से आगे बढ़ने के लिए उसके लिए अनुकूल वातावरण बन गया है उसको हा? जैसे आपके पास एक सूखा लकड़ी है ये एक एक लकड़ी में अगर आग हो जैसे मैच स्टिक होता है, है? मैच स्टिक में आग है हम अगरबत्ती के पास लाते हैं उसको लाते ही वो भी पकड़ लेता है उसको इसी तरह आचार्य जो होते हैं जैसे प्रभु जी गुरु इत्यादि वो लोग दे आर लाइक फायरीवुड उन्होंने परमात्मा को ऑलरेडी जगाया अपने हृदय में हु? तो वो लोगों के साथ हम संग करते हैं तब हमारे हृदय में भी परमात्मा जो है उनको जगा देते हैं हु? तो परमात्मा के साथ संबंध जो है हमारा उस संबंध को जगा देते हैं उस समय जीव उस आग से उसका मतलब है परमात्मा के साक्षात्कार से क्या करता है अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर को मिटा देता है मिटाने का मतलब क्या है जर अत्याशु आकौम निगिन मनलो यथा इसका मतलब क्या है आपके भौतिक शरीर और आपके भौतिक मन वो इंद्रतुति करने के आदत से छूट जाते हैं मतलब ऋषि के न, ऋषिकेश सेवनम भक्त आपके इंद्रिय सिर्फ कृष्ण की सेवा में ही लगेंगे लेश मात्र भी इंद्र के पीछे नहीं जाएंगे इसी तरह मन नाम जब करता रहेगा चौबीस घंटा बुद्धि सदा शास्त्र पढ़कर शास्त्र में रमेगा इसे और अहंकार त्रिनाद पिशयन तरोना इस तरह उसका अभ्यास करके सब वैष्णवों को महान मानेगा और अपने आप को नीचे नीचे नीच मानेगा इसे तो इस तरह हमें हमारे हृदय में परमात्मा कड़े हैं लेकिन उनका कनेक्शन हमको दिख नहीं रहा है क्योंकि हम ये हो बहिर्मुख हो गए हैं हिंदी में आपको मालूम है थर्टी सिक्स कैसे लिखना हिंदी में थ्री ऐसा है सिक्स ऐसा है तो अभी जीवन में परमात्मा ऐसे हैं अभी हैं हम है? उड़ लिया ऐसे हैं परमात्मा की ओर देखने के लिए लेकिन अगर आप सिक्सटी थ्री लिखते हैं ऐसा है करेक्ट है हिंदी में मालूम आपको सिक्सटी थ्री सिक्स और थ्री लिखेंगे देख रहे हैं ऐसे नहीं तो ऐसे मुड़ लिया हमने तो इसके कारण क्या हो गया हम उनको ना देखने के कारण जनस्य कृष्णात् विमुख से दैवात अधर्मशील से सुदुखित जब जीव बहिर्मुख होता है अधर्मशील बनता है जब अधर्मशील बनता है दुखित हो जाता है तो अगर हमें सुखी बनना हो तो धर्मशील बनना होगा कब धर्मशील बनेंगे भगवान की ओर उन्मुख हो जाओ हैं आस्ताबा हम धर्मशील बनेंगे सुखी बनेंगे तो इधर बता रहे हैं कि हालांकि भक्त चाहता है चौबीस घंटा भक्ति करे लेकिन कर नहीं पाता अनिश्वर शब्द बताता है कि अपने विगत पाप पूर्ण कर्मों तथा बुरी आदतों के कारण क्या दो चीज बोल रहे हैं इधर अपने विगत पाप पूर्ण कर्मों तथा बुरी आदतों के कारण उसका मतलब पूर्व जन्म में हमने पाप करके आया है तो उसके वासनाएं अभी भी है जैसे अगर आपने आम खाया आम खाकर आम काते समय आपको पता चलता है कि कुटली भी है उसमें करेक्ट है ना कुटली का जैसा फेंक दिया और एक आम का पेड़ आ जाएगा इस तरह नीम खाया, नीम का कुटली फेंक दिया उधर से नीम के पेड़ आ जाते हैं इस तरह पाप कर्म फल भोगते समय एक कुटम भी आता है हा? कुटम कुटली जैसा है वो वापस पाप को पैदा करता है हुँ? जैसे उदाहरण दिया गया है मान लो एक गड्ढे में शराब था उसको फेंक दिया आपने अंदर पानी डालकर एकदम अच्छा सफाई किया पानी को भी फेंक दिया सूखा कपड़ा लेकर अंदर उसको सुखाया आपने उसके बाद ऐसे अच्छा लोग दुर्गंध आएगा तभी भी हाँ उसको वासना बोलते हैं वासना मतलब कर्म रुकने के बाद भी वासना रुकता नहीं ऐसे रहता है तो इस तरह बताते हैं इधर अनीश्वर शब्द बताता है कि अपने विगत पाप पूर्ण कर्मों तथा बुरी आदतों के कारण तुरंत ही भोग की इच्छा को मनुष्य शमित नहीं कर पाता तो वो कूटम जो है पूर्व जन्म वासनाएँ वो हमको वो बीज बनते हैं हमारे मन में और बीज हमको धक्का देते रहते हैं कुड़कुड़ कुड़ु कुड़ अंदर से जैसे आपके मन में अनेक हजारों लाखों बीज हैं काम बीज बोलते हैं उनको बीज कामकर्मा बीज क्या है तो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को हम स्टोर करके रखा कर है मन में ये करना जैसे दक्षिण भारत में मद्रास में मैं देखा एक व्यक्ति था उसका सेवेंटी एट वायस था उसका हैं वो क्रिकेट देख रहा था सुबह दस बजे से शाम को चार बजे तक बड़े बजा बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे छः घंटा देख रहा है क्रिकेट वही चीज़ है कोई बैटिंग कर रहा है कोई भाग रहा है वही कहती है हां? ग्रीन लगे मैं पाँच मिनट देखा मैं थक गया मैं हां? ये छः घंटा देख रहा है इतना नहीं कोई सिक्सर डालता तो कूद रहा है ये हाँ सिक्सर डाला अभी इसे तो बाद में जब इस खान में मैं आया मुझे पता चला कि इस व्यक्ति को और एक शरीर मिलेगा इसको हां? किस लिए किस लिए चाहिए इसको और एक शरीर क्यों मिलेगा उसको क्रिकेट खेलने के, के लिए क्योंकि अभी सेवेंटी एट अस्सी पता नहीं आज नहीं तो कल निकल जाएगा वो हाँ निकलने के बाद क्योंकि उसके मनोभाव क्या कैसा है क्रिकेट खेलने का है तो उसके लिए और एक शरीर मिलेगा एक व्यक्ति को प्रौपा जी हवाई में देखा उन्होंने एक लड़का सुबह प्रातःकाल से लेकर दोपहर एक बजे तक वो पानी में सर्फिंग कर रहा था वो हाँ ने पूछा भक्तों को क्या कर रहा है ये भक्तों ने बोला कि जी सर्फिंग वट इज इट सफरिंग ऐसे पूछा उन्होंने भक्त लोग बोले नहीं नहीं जी सर्फिंग है प्रपज ने बोला यू कॉल इट सर्फिंग आई कॉल इट सफरिंग अरे इतना छः घंटा सात घंटा पानी में कोई भी थक जाएगा प्रपज बोले कि अगले जन्म में इसको एक डॉल्फिन का शरीर मिलेगा इसको हा? क्योंकि पानी में इतना केल रहा है इसको पानी के शरीर पानी में रहने के लिए शरीर चाहिए इसे हमारे मनोभाव ही हमको शरीर प्रदान करते हैं अवर डिजीर्स इन द माइंड प्रेसिपिटेट एज द ग्रास बॉडी प्रेसिपिटेट या वे मशीन क्यों दिया गया है हमारी इच्छाओं का आकार देने के लिए माई मशीन दिया गया अगर मैं ब्राह्मण के कर्मों को करना चाहता हूँ मुझे ब्राह्मण जैसे शरीर दिया जाता है जिधर ब्रह्म कर्म कर पाऊंगा अगर मुझे छात्र कर्म करने की इच्छा हो मन में तो छत्र का देह मिलता है अट्टाकट्टा शरीर मिलता है किसी को मारो पीटो सब करने के लिए सुविधा मिलता है ऐसे हाँ अगर पैसा डालना पैसा निकालना पैसे गिनते रहना ऐसे इच्छा होता है मन में तो वैसे का शरीर में प्राप्त होता है ऐसे हाँ तो आप देखेंगे इस तरह इधर पता थे कि विगत तो पापपूर्ण कर्मों तथा बुरी आदतों के कारण तुरंत ही भोग की इच्छा को मनुष्य शमित नहीं कर पाता बार बार वो इच्छाएँ अंदर बीज के रूप में हैं वो बीज जिस तरह अंकुरित होता है इस तरह ये बीज भी अंकुरित होने के लिए इंतजार कर रहे हैं हम दो चीज कर सकते हैं या तो ये बीजों को बुना दो बुनना जानते हैं बुनना बुनने से क्या होता है आपको मालूम है बीज को बुन बुना दिया आपने तो अंकुरित नहीं होगा वो बस अभी उसे पेड़ नहीं निकलने वाला है ज्ञान अग्नि दग्ध करमाणम तमाहु पंडितम बुधा ऐसे भस्मसातना ज्ञानाग्नि दग्ध भस्मसात् भस्मसातर तथा भगवान बताते हैं कि आप आत्मा परमात्मा की संबंध के बारे में जानकारी को जगा दिया आपने उस ज्ञान से आप इन काम कर्म बीजों को बुना सकते हो और तो अंकुरित तो होकर आपको कर्म फल को पैदा नहीं करेगा नहीं तो इन बीजों को क्या करो भक्ति के ब्लिस भक्ति भक्ति के परम आनंद में डुबा दो अभी बीजों को डुबाने से भी क्या वो सड़ जाते हैं और अंकुरित नहीं होते हैं हाँ। drown your काम कर्म बीज इन भक्ति ब्लिस और फ्राईदम अवे बाय ज्ञान ईधर ऑफ द टू वी हैव टू डू और वी कैन डू बोथ ऑल्सो लेकिन काम बीजों को अंकुरित होने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए तो हम लोग जो प्रातः काल में उठकर नाम जप करते हैं ये सब करते हैं भागवत कथा श्रवण करते हैं आरती हमें तो भाग लेते हैं जितना हमारा ऑब्जॉर्बशन बढ़ता है इन चीज़ों में हैं ऑब्जॉर्बन का मतलब है फ्रॉम अट्रैक्शन कम्स अटेंशन फ्रॉम अटेंशन कम्स अटैचमेंट फ्रॉम अटैचमेंट कम्स ऑब्जॉर्बशन देन कम्स अफेक्शन अभी अट्रैक्शन का मतलब है थोड़ा आकर्षण हो किसी भी चीज के लिए उधर ही हमारा अटेंशन जाता है फ्रॉम अट्रैक्शन टू अटेंशन अभी अट्रैक्शन में और अटैचमेंट में बड़ा फर्क है अट्रैक्शन का मतलब मुझे अच्छा लगता है अटैचमेंट का मतलब है मैं पागल हो गए उसको उसको छोड़कर रह नहीं पाऊंगा ऐसे और अटैचमेंट है हा? जैसे पहली बार अगर आपको कुछ किसी ने गुलाब जामुन दिया बोलते है बहुत अच्छा लग रहा है हमको हा? लेकिन बार बार कहा आपको रुचि लग गया तो गुलाब जामुन कोई बोलेगा तो भागते हुए जाओगे आप हैं अटैचमेंट आ जाता तो, है तो अट्रैक्शन अटेंशन अटैचमेंट इस तरह तो भगवान बताते हैं कि काम जो है ये तीसरा चीज है ध्यात विषय संगस् तेजुप जाए थे संगा चन जाए थे काम उसका तो मतलब पहले हम बार बार किसी विषय के ऊपर ध्यान करने से क्या होता है आ, आ, संग अटैचमेंट आता है आसक्ति आता है और आसक्ति आने से क्या होता है उससे काम पैदा होता है उसका मतलब है हम आ, काम जब पैदा होता है इट्स अडमन डिजेर फॉर द प्रोहिबिटेड दैट इज काम एक क्या बोलते हैं जिद्दी करना मैं इसको प्राप्त करके ही करके ही बैठूंगा जैसे रावण ने जिद्दी किया सीता को प्राप्त करके ही बैठूंगा तो मर मिटाओ है उसके कारण लेकिन ध्यान करने से बार बार उसके बारे में सोचने से अभी रावण ने बार बार सुना श्रवण किया किससे शुलप नका से सीता की खूबसूरती के बारे में सुन सुन कर उसके मन में वासनाएं उठे उसके बाद उस उसने संग उसका आसक्ति हो गया मन में प्राप्त करके ही बैठूंगा उसके बाद काम आया इसे इसी तरह हमारे कामाकर्मा बीज जो हैं अभी बीज के स्तर पर आ गए हैं वो और आगे क्या करना है भक्ति भाव को बढ़ाकर हम लोग उन उन बीज उन बीजों को मिटा सकते हैं भगवान यहाँ पर ऐसे भक्त को अत्यधिक अवसन्न या हताश न होने तथा भक्ति करते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं भगवान बोल रहे हैं उद्धव जी को हे hey उद्धव ऐसे मेरे भक्त जो साधना भक्त है वो कभी हताश नहीं होना चाहिए देखिए यशोदा मां जब भगवान कृष्ण को बांधने के लिए सुबह से लेकर यत्न कर रही थी उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कृष्ण के कमर जो है सिर्फ एक हस्त है लेकिन रस्सी जो है उन्होंने अलग अलग गोपियों को बुलाकर रंग बिरंगे रस्सियों को मांग कर सबको साथ में बांध कर देखा कि वो एक सौ हस्ती है अभी एक सौ हस्ती वाला रस्सी को लेकर एक हस्ती वाले कृष्ण के कमर को मैं बांध क्यों नहीं पा रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा था उनको अभी कृष्ण के हाथ में कंकण डाला वो गया पहले कृष्ण के गले में नेकलेस डाला वो भी गया ये नेकलेस आ रहा है उनके गले उनके गले में कंकण आ रहा है लेकिन ये रस्सी से मैं क्यों बांध नहीं पा रही उनका आश्चर्य है क्योंकि क्यों बांध नहीं पाई वो क्योंकि एक विभूति शक्ति था उसने सोचा कि अगर ये बांध देगी तो कृष्ण माखन चोरी के लिए कैसे जा सकते हैं कंकण डालने में कुछ प्रॉब्लम नहीं नेकलेस में प्रॉब्लम नहीं ले लेकिन ये रस्सी में प्रॉब्लम है इसको बांध दिया इधर कैसे कृष्ण लीला करेंगे हाँ इसलिए बहुत शक्ति छोड़ नहीं रहा था <coughs> लेकिन न, ये उदाहरण मैंने आपको क्यों बोला वो सुबह से शाम तक वो यतन कर रही थी पसीने छूट रहे थे बाल बिखर गए श्वास ले रही थी बार बार उनको बांधने के लिए प्रयत्न कर रही थी बाकी गोपियाँ उस उनको देखकर बोली वो मुस्कराने लगी स्मयंती विस्मिता अभवत ऐसे बताया गया गोपी नाम सुस्मयंती नाम विस्मिता आ, आ, गोपी नाम सुस्मयंती नाम स्मयंतीम विस्मिता अभवत ऐसे बताया गया सब गोपियां मुस्कुरा रही थी यशोदा को देख रे यशोदे आज तुम्हारे बच्चे के तकदीर में नहीं लिखा कि बंदा जाए समय की बर्बाद मत करो रसोई में चले जाओ बहुत काम बचाओ तुम्हारा ऐसे बोले लेकिन वो भी मुस्कुरा रहे थे गोपियां यशोदा क्या कर रही थी वो भी मुस्कुरा रही थी स्मयंती विस्मिता अबवत विस्मिता का मतलब है एक आश्चर्यजनक आंकों से देखते हुए क्यों मैं बांध नहीं पा रही हूँ साथ साथ मुस्कुरा भी रही थी वो <coughs> बांधने के लिए प्रतः यही साधना भक्तों का एटीट्यूड ऐसे होना चाहिए वी शुड ऑलवेज बी लुकिंग विथ क्यूरियासिटी एंड वंडरमेंट व्हाट इज़ कृष्णाज़ प्लान फॉर मी व्हाट कृष्णा वॉन्ट्स टू टीच मी थ्रू दिस लेट मी लर्न सम लेसन्स मैं कुछ अच्छा सबक सीखूँ इस घटना से हैं हम लोग गलत कार्य करने के पहले मन में अगर वासना उठता है उस स्तर पर इस तरह सोचना चाहिए अरे मैंने सोचा मैं इन चीज़ों से जीत लिया हूँ लेकिन अभी भी मेरे मन में इस तरह के का वासनाएँ उठ रहे हैं मतलब क्या है इसका मतलब है अभी तक शुद्ध नहीं हुआ हूँ और सतर्क रहूँ और साधना को बढ़ाऊँ और गंभीर हो जाऊँ और कृष्ण की निकट जाऊँ कृष्ण किसी चरणों को पकड़ लो इस तरह हमें उत्साह को बढ़ाना चाहिए भक्ति में और मुस्कुराते तो हुए भक्ति करना चाहिए कभी हत हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और आगे के श्लोक तो में बताया गया है कि यशोदा ने क्या किया तो भगवान ने देखा कि दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने स्वबंधने का मतलब भगवान खुद ही बंधे गए लेकिन कैसे बंधे गए स्विन्न नया दृष्ट परिश्रम कृष्ण कृपया आसी स्वबंधने ये बताते हैं कि स्वात एक ममता के साथ बांधा यशोदा ने उन्होंने सोचा कि ये बच्चा जो है किसका बच्चा है मेरा बच्चा है वो ममता था उनमें हम लोग भी कृष्ण भावनामृत संग में जुड़कर सोचना चाहे कि मैं प्रभुपाद का ग्रैंड रिजाइपल हूँ ये शरीर प्रभुपाद के लिए दिया हूँ जब हर दिन हम तिलक पाते हैं सोचना चाहे कि दिस बॉडी बिलोंग्स टू तो माई गुरु हैं ये मैं गुरु को दे दिया हूँ इसका गलत प्रयोग नहीं करूँगा इसका हाँ आई एम ओन्ड बाई माई स्पिरिचुअल मास्टर आई एम ओन्ड बाई प्रभुपाद माई बॉडी माई माइंड माई वर्ड्स हैं दे आर नॉट माई प्रॉपर्टी जैसे सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने बोला तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है तुम्हारा शरीर मेरा रहा है मैं इसको कृष्ण बानावत में लगाऊंगा इस तरह हमें सोचना चाहिए क्योंकि अगर हम अपने शरीर वाणी मन को सौंपा देते हैं गुरु को गुरु इसको इस्तेमाल करके अच्छी तरह कृष्ण की सेवा में लगा सकता है जैसे मैं जब अमेरिका में था मैंने कंप्यूटर को जो प्रॉब्लम दिया तो मैं तुरंत मेरे मैन शिवाजी प्रभु उनको फ़ोन किया कि कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम दे रहा है तो आप हेल्प कर सकते हो तो उन्होंने बोला एनी डेस्क आप टाइप करो हैं करेक्ट ना एनी डेस्क ना टाइप करके उधर तो एक नंबर आया उनको नंबर दिया तो नंबर टाल कर उन्होंने क्या किया जस्ट एक गोस्ट एंट्री करते हैं मालूम आपको कंप्यूटर में गोस्ट एंट्री का मतलब वो भारत से मेरे कंप्यूटर में घुस गए और मैं ऐसे ही बैठा था देखा कि अनेक चीज़ चल रहे हैं कंप्यूटर में अपने आप चल रहा है अपने आप नहीं चल रहा है वो चला रहे हैं किधर से मैं बैठा हूँ अमेरिका में लेकिन वो मेरे कंप्यूटर को इंडिया से चला रहे हैं हा? क्योंकि उसको गोस्ट एंट्री ऐसे करते हैं कंप्यूटर में क्योंकि अनुमति दिया गया है उनको करेक्ट है ना इस तरह हम जीव को अनुमति देना चाहिए भगवान को है hey भगवान मेरे शरीर आपके पास सोम पर आता हूँ यू एंटर इंटर माई बॉडी एंड मेक माई बॉडी एक्ट इन द वे यू वॉन्ट टू यूज इट आप मेरे आ, जैसे गोपाल गुरु गोस्वामी एक मंत्र बताते हैं राधा रानी को हरे कृष्ण महामंत्र के मीनिंग बोलते समय मया सख रमस्व माम स्व अंकी कृत्य सख रमस्व ऐसे बताते हैं ऐसे मतलब क्या है राधा रानी आप मुझे अपना बना लो और अपना बनाकर कृष्ण की सेवा में लगाओ हाँ और मैं मेरे शरीर वाणी मन इत्यादि को गलत दिशा में लगा नहीं लगाऊंगा अगर मैं लगाऊंगा तो गलती हो जाता है इसलिए मैं सौपा देता हूँ आपको इस तरह है। इस तरह है स्वमातु सुन्न्य पहला चीज तो माँ यशोदा ने सोचा कि ये मेरा बच्चा है ममता था हमको भी ममता के साथ भक्ति करना चाहिए दूसरा है शून्य गात्रा का मतलब है उनके माथे में उनके गाल में जैसे मोती जैसे पसीने छूट रहे थे और बाल भी बिखर गया था तब भगवान ने देखा इसे माँ के चेहरे को उनको दया आया उनके हृदय में देखो माँ कितना परिश्रम कर दिया अगर हम भी भक्ति में किताब वितरण करते हैं आप लोगों ने सुना होगा ये बहुत महोत्साह प्रभु ने पचपन भागव भागवत सेठ एक ही दिन में वितरित कर दिया करेक्ट है ना इन वन डे वो भी कुछ स्पॉन्सरशिप के बिना हैं सारे दुनिया के लोगों ने ताली बजाया है तो बहुत कसरत करते हैं वो मिला मैंने उनको अटलांटा में जब गया था तो इस तरह हम लोग कसरत करते हैं भगवान के लिए अगर पसीना छूटता है तब भगवान हमारी ओर मुड़कर देखते हैं बेचारा है। देखो मेरे भक्ति में कितने से लगा है छोड़ता ही नहीं पीछे पड़ा है बार बार सेवा करते रहता है इतना तो भगवान हमारे ऊपर दया दिखाना चाहिए है यशो को दया दिखाया उन्होंने और विश्व तक कब्रस बोलते हैं उसका मतलब है यू नो फॉरगेट योर लंच बॉक्स एंड थ्रो अव यॉच है इसका मतलब क्या है आप ऐसे लग कर भक्ति करो कि कान पा, काना पीना सब भूल जाओ हाँ हम लोगों की याद है कंपनी में हमने ऐसे काम किया है कॉलेज में भी हमने ऐसे असाइनमेंट किया कभी कभी असाइनमेंट करते करते एक बजे का प्रसाद भूल गया चार बजे का आया हमने हाँ? किसी का अनुभव है ऐसे कुछ प्रोजेक्ट किया प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्राम किया हम इतना उसमें डूब जाते हैं कान काना पीना भी सो जाते कभी नींद भी एक बार हम ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम कर रहे थे डीबकिंग कर रहे थे बाद में घड़ी को देखा सुबह तीन बज गया है रात भर हमने डी किया था वो प्रोग्राम को हैं तो हम लोग वॉच को भूल जाते हैं समय को भूल जाते हैं इस तरह भक्ति भी ऐसे करनी चाहिए है? तो आपकी गुरु पूजा ऐसे ही लगा मुझे आज गुरु पूजा चलते गया चलते गया एकदम जोरदार मृदंग बजा रहे थे तीन तीन चार चार वक्त बाकी सब वक्त कूद रहे थे हैं तो ये प्रौपर के टाइम में भी ऐसे ही कीर्तन होता था भक्त लोग ऐसे करते थे प्रभु जी बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं बजा रहे थे देखने में छोटे हैं लेकिन शक्ति बहुत है मृदंग बजाने में है इस तरह से जो भक्ति लगन के साथ करता है ये भौतिक उपाधियों को भूल जाता है ये यशोदा माने किया तो भगवान ने वो भी देख लिया दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसित स्वबंधने उनकी कृपा से भगवान खुद ही बंधे गए उनको कौन बांध सकता है हा? वो सारे ब्रह्मांड तो उनके पेट के अंदर है उनको कौन बांध सकता है हा? लेकिन अगर भगवान बंदे जाना चाहते हैं तो उनको कोई भी बांध सकता है। इस तरह है। तो इसलिए इधर बताया गया कि निर्विन्न शब्द सूचित करता है कि निष्ठावान भक्त में यद्यपि थोड़ी बहुत इंद्र तृप्ति बची रहती है किंतु वह भौतिक जीवन से पूरी तरह ऊबा रहता है और किसी भी परिस्थिति में जान कोई पाप कर्म नहीं करता है देखिए पाप के पीछे भागना और पाप करने के लिए एक तरह का लालसा रखना इन दोनों में आप देखेंगे लालसा रखना और भी खतरनाक है पाप करने से भी आई विल से इट इन इंग्लिश सी फॉर एग्जाम्पल देंकरिंग इज मोर डेंजरस दैन सिंफुल एक्शन ऑल्सो बिकॉज सिम्पल एक्शन वेन यू डू यू आर वेरी सुन गोइंग टू गेट सफरिंग यू गेट अ गुड स्लैप है हैंकरिंग गिवस यू फॉल्स होप हैं ये क्या बोलते हैं लालसा लालसा जो है वो आपको गलत आशा देता है huh? उसमें कुछ है कुछ है, कुछ है कुछ है कुछ है कुछ नहीं है हिंदुत्व huh? में कुछ नहीं है लेकिन आपको आशा देता है वो इसलिए भागवत में बताया गया कि भगवान के साथ संग करना उतना लाभ नहीं है जितना भगवान के शुद्ध भक्त के साथ संग करना हा? क्योंकि भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की, की मुताशिश है भगवत संगी के साथ संग करना भगवान के संग से भी ज़्यादा लाभ है उसमें ऐसे बताया इन द सेम मैनर स्त्री संगी का संग स्त्री के संग से भी खतरनाक है उसका मतलब है दो लोग हैं अभी एक है खूबसूरत स्त्री एक पुरुष आकर्षित हो रहा है उनसे दूसरा व्यक्ति है जो स्त्री के बारे में सोच सोच कर खुद ही हंस रहा है वो आ, ऐसे है, अपने दुनिया अपने ही दुनिया में है वो है पागल बनकर ऐसी बोली ऐसी बोली कल बात क्या बने ऐसे तो उस व्यक्ति से संग करना स्त्री से संग करने से भी और खतरनाक है ऐसे बताते हैं है, बड़ा खतरनाक है क्यों क्योंकि ही इज गिविंग यू अ फॉल्स होप दैट देर इज समथिंग वेरी ग्रेट इन दैट वुमन एसोसिएशन इस तरह अगर कोई भक्त भगवान के भक्ति में पागल हो गए हैं जैसे प्रभा जी ऐसे भक्त थे इसलिए हिप्पी लोग भी बदल गए करेक्ट है ना जितना भगवान के भक्त भगवान के भक्ति में दृढ़ता दिखाता हो पागल बनता हो भगवान के पीछे भागता हो बाकी दुनियादारी चीज़ों को छोड़ देता हो उतना उस भक्त का संग हमको लाभ लाभदायक है लेकिन भगवान के संग से भी ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि भगवान के भगवान के पास हम लोग आकर्षित होते हैं थोड़ा बहुत लेकिन ऐसे पागल जो शुद्ध भक्त होता है उसके सर, जिस नारद मुनि ऐसे भक्त हैं उन्होंने ध्रुव को भक्त बनाया है प्रगत को भक्त बनाया ध्रुव जो है क्या हट करने वाला बच्चा था वो लेकिन नारद को देख कर उसके मन में परिवर्तन आ गया ये महान संत हैं ये शुद्ध भक्त हैं प्रेमी भक्त हैं तो ये जो बोलेंगे मैं करूँगा हैं इस तरह से इसलिए इधर बताया गया कि निर्विन्न शब्द सूचित करता है कि निष्ठावान भक्त में तो गोटी लाइन फिफ्टीन यद्यपि थोड़ी बहुत इंद्र बची रहती है किंतु वह भौतिक जीवन से पूरी तरह उबा रहता है और किसी भी परिस्थिति में जान बुझ कर कोई पाप कर्म नहीं करता है देखिए अनेक बद्ध जीव वो पाप के पीछे जाते हैं पैसा देकर पाप मांगते हैं करेक्ट ना कुछ भी पाप करना हो सिगरेट फूंकना हो शराब पीना हो अवैध संग करना हो सबके लिए पैसा खर्चा करके बोलते हैं तपड़ दो मुझे अभी तपड़ वहाँ पैसा खर्चा करके तपड़ लेते हैं ऐसे हाँ अनेक मूर्ख जीव और कुछ लोग हैं उनको पाप करने की इच्छा है अभी तक किया नहीं है सोच रहे हैं करने के लिए ऐसे कुछ जीव हैं और कुछ जीव हैं पहले पाप करके तपड़ का कर सीख लिया अभी करने नहीं, करना नहीं है उनको हाँ लेकिन कभी कभी थोड़ा लालसा होता है फिर भी वो समझते हैं कि नहीं नहीं ये दुखदायक है हा? वो शांत रहते हैं इसे और कुछ जीव हैं जो अच्छी तरह समझ गए हैं साक्षात्कारी पुरुष हैं वो समझ गए कि ये पाप करी जो है ये मूर्खता है इसमें कुछ सुख नहीं है लेश मात्र भी वो लोग पाप करने की इच्छा को ही त्याग देते हैं दैट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ विरक्ति विरक्ति इज नॉट गिविंग अपसिफिकेशन विरक्ति मीन्स लूजिंग टेस्ट फॉर सेंस हैं विरक्ति क्या है विरक्ति नहीं है कि इंद्रिय भोग को छोड़ना विरक्ति का मतलब है इंद्रिय भोग करने के लिए जो रुचि है उस रुचि को ही त्याग देना दैट इज द मीनिंग ऑफ विरक्ति विगत राग वो विगत राग होता है जब विशेष राग होता है विशेष राग कृष्ण के लिए प्रीति होता है तब इस तरह का विरक्ति आसानी से प्राप्त करता है ये आएगा आगे के लाइन्स में आएगा कामान शब्द द्योतक है यौन आकर्षण तथा संतान घर इत्यादि के रूप में गौण उत्पादों का भौतिक जगत में यौन की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि कभी कभी भगवान की प्रेमाभक्ति में लगा निष्ठावान भक्त भी यौन आकर्षण से या पत्नी तथा संतान के लिए बची हुई भावना से विचलित हो उठता है तो हम लोग अनेक बार प्रभज की तात्पर्य में पढ़ा है कि कोई अगर किसी के अंदर इस तरह स्त्री के आकर्षण प्रबल हो विवाह कर सकता है प्रभच बोलते हैं विवाह करके वो बच्चे पैदा कर सकता है और बच्चे को भी कृष्णा भवनावृत में आगे बढ़ा सकता है और प्रभच बोलते हैं सेक्स इज ओनली फॉर प्रोक्रिएशन एंड नॉट फॉर रिक्रिएशन ये यौन यौन संबंध जो है वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है और वो भोग के लिए नहीं है तो तब ब्रह्मानंद प्रभु ने एक बार पूछा प्रपच जी को बस ये तो अगर दो चार बार स्त्री पुरुष का संबंध होता है बच्चे पैदा हो गया तो उसके आगे जाकर मिलना ही नहीं है प्रभु ने बोला नहीं कदापि नहीं है वो बोला इस इस तरह रहने के बदले अच्छा कि ब्रह्मचारी बन जाओ सन्यासी बन जाओ बोला हाँ धर्ज अ पॉइंट प्रभु ने बोला धर्स अ पॉइंट इसलिए छोड़ दो साधु बन जाओ बोले हैं ऐसे तो ये हमने पढ़ा है सुना भी है फिर भी आप देखेंगे एक पुरुष उसको अपनी पत्नी की ओर आकर्षण बच्चे की ओर आकर्षण होता ही है ये स्वाभाविक है तो इस तरह से अगर उसको इससे आकर्षण होता है तब आकर्षण होता है वो बुलक्कड़ होकर कभी कभी भौतिक जीवन में और भी उसको वर्धन करता है जैसे भौतिक जीवन में ज़्यादा ध्यान देता है और उसके आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा तो शिथिल हो जाता है डीला पड़ जाता है ऐसे वक्त ऐसा अनुभव हुआ है तो ऐसे जब होता है तब एक व्यक्ति वापस वो दुखित होता है कि मैं बीवी बच्चों के आकर्षण में मैं उलझ गया संसार में हा? तो भक्ति छूट गई भक्तों से दूर चला गया अभी वापस नेतृत्व में लग गया अभी अभी बहुत ज़्यादा माया की लात कर रहा हूँ चलो अभी हम गंभीर बनेंगे भक्ति में तो वापिस आता है ऐसे भी होता है तो भागवत के ग्यारहवें स्कंद में ये एक उदाहरण दिया है कि ये घोड़ा जो है उसको उसके लगाव जो है उसको पकड़ोगे आप कभी कभी घोड़ा देखता है कि ये बहुत मुझे टाइट पकड़ रहा है तब तो ऐसा आवाज करता है देखा आपने अगर जोर से उसका पकड़ा तो तो कभी कभी घोड़ा चलाने वाला क्या करता है उसको थोड़ा डीला छोड़ता है उसको और उसके बाद घोड़ा थोड़ा शांत हो जाता हो इसी तरह ग्यारहवें स्कंद में एक उदाहरण दिया है हम भक्ति मार्ग में अभ्यास करते समय अभी ब्रह्मचारी क्या करते हैं कभी कभी कैंप में जाते हैं एक स्थान जिधर झील है बहुत बड़ा कुछ मठ है मंदिर है जैसे तीर्थाटन के लिए जाते हैं कुछ होली प्लेसेस में जाते हैं जैसे हम लोग पंडरपुर जाते हैं पूना से उधर चंद्रभागा में नहाते हैं चंद्रभागा इतना शालो है इतना ही है पानी उधर है उसमें घुटनी तक है किसी को स्विमिंग भी नहीं आता आपको डर नहीं है आप भी स्विमिंग कर सकते हैं उसमें हैं बच्चा भी कर सकता है उधर है ऐसा पानी है तो हम लोग उधर वो पानी में स्विमिंग करते हैं और उधर तट में बहुत सुंदर तट है नदी का इतना हवा बता उधर और मंदिर की घंटी की आवाज़ आता है एकदम तो सुंदर भव्य वातावरण है हम लोग शिविर करते हैं ब्रह्मचारियों का उधर और ब्रह्मचारी सब साथ में आकर कोकिंग करते हैं कभी कभी आउटडोर मंगला आरती करते हैं पेड़ के नीचे भगवान को बिटाते जैसे सनातन गोस्वामी ने बिठाया माधन मोहन को ऐसे पेड़ के नीचे भगवान को एक आल्टर बना देते हैं और आउटडोर मंगला आरती नृसिंह आरती सब करते हैं गुर्वपूजा ऐसे और कभी हमारे भक्त एक बार क्या किया राजस्थान में जाकर उन्होंने बोला कि एक हफ्ते के लिए हम बीक मांग कर बोग चढ़ा कर हम खाएँगे तो उन्होंने घर घर में जाकर चावल गेहूं तरकारी इत्यादि बीक मांगकर कर आ, आ, वो भगवान को कुकिंग करके बोग चढ़ा कर प्रसाद प्राप्त किया वो एक नया न, नया अनुभव था वो हैं बिकॉज इन इस वी डोंट गो बेगिंग हम हमको रेडीमेड सब आ जाता है, है तो इस तरह का नया अनुभव था इस तरह कभी हमारे रूटीन को ब्रेक करके थोड़ा इस तरह के एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो उससे मन भी थोड़ा लाइट हो जाता है जब मैं उधर अटलांटा में था महोत्साह प्रभु को मिला उनसे पूछा मैंने आप जो ब्रह्मचारी जॉन किया है इधर किस तरह ट्रेनिंग देते हैं आपके मंदिर में इधर वो भी थे विष्णु विष्णु चित्र प्रभु है ना विष्णु चित्र प्रभु भी थे दोनों से बात किया मैंने तो वो लोग बोले कि संडे प्रोग्राम वो लोग करते हैं फोर्टीन कोर्स फीस्ट बनाते हैं वो लोग हैं को ख़ुद के लिए नहीं लोग जो आते हैं उनके लिए हैं और उसमें कभी कभी 200 लोग 250 लोग आ जाते हैं अटेंड करने के लिए और उसमें से जो तरुण लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं उनके साथ प्रसाद के समय बात करते हैं एंड मूव इन टू द टेम्पल फॉर अ वीक एक हफ्ते दो हफ़्ते देखो कैसे आपको लगता है तो अनेक लोग ट्राई मार, मारने के लिए तैयार हैं हैं चलो अभी दो हफ्ते देखते हैं तो वो लोग आते हैं मंदिर में तो आते ही तीन चार दिन के बाद उनको बस में डालकर बाहर हैं लेके जाना तीन महीने के लिए हैं दूर दूर प्रदेश उधर पहाड़ देखते हैं झरना देखते हैं झील देखते हैं पेड़ पौधों को देखते हैं अनेक अनेक शहरों में जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस और उस तीन महीने में उनके अनेक क्लासेस भी होता है हा? और बीच बीच में क्लास होता है कीर्तन होता है नृत्य होता है और पूरा समझ लेते हैं कि प्रभुपात जी की मिशन क्या है तीन महीने में समझ लेते हैं और आने के बाद निर्णय लेते हैं क्या फुल टाइम बन रहा है कि नहीं है मोस्टली फुल टाइम बनते हैं अनेक लोग उसमें से तो इस तरह वो घोड़े को डीला छोड़ने का मतलब यही है कि हम कभी कभी डेली रूटीन में उब जाते हैं कभी 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 ये क्या आश्रम में सब लोग रहते हैं उसमें थोड़ा मनमुटावी हो जाता है कुछ भक्तों के बीच में अः क्या बोला तुमने क्या बोला मेरे बारे में इस तरह लेकिन बाहर जाने से थोड़ा खला आसमान है खुला अलग अलग प्रदेश में ट्रैवल करते हैं उसमें ज़्यादा झगड़ा करने के लिए लोग भी नहीं हैं सिर्फ पा, चार पाँच भक्त हैं साथ में हैं तो भागवत में आइडिया दिया है कि यू कैन लर्न द आर्ट ऑफ रिलैक्सिंग योर योर सेल्फ एंड द रिलैक्सिंग डज नॉट मीन सिंफुल एक्टिविटीज हैं वो रिलैक्स करने का मतलब नहीं है कि ठीक है जैसे कुछ कुछ चर्चेस में क्या करते हैं कुछ लोग मंडे टू फ्राइडे चर्च में रहो प्रैक्टिस करो सैटरडे संडे जाकर शराब पियो सिगरेट पियो रिलैक्स करो ये रिलैक्सेशन नहीं है ये निषिद्ध कर्म है इसलिए शास्त्र तीन कर्म के बारे में बोलते हैं विहित कर्म काम्य कर्म निषिद्ध कर्म विहित कर्म जो गुरु दिया है आपको ये करो आदेश दिया है जो हम लोग कर रहे हैं और काम्य कर्म का मतलब है हमको कभी कभी थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए वो इच्छा होता है थोड़ा फ्रीडम चाहिए वो काम्य कर्म है लेकिन निषिद्ध कर्म का मतलब है जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज है उदाहरण के लिए एक माता पिता एक बहुत बड़े गाड़ी में गए अपने बेटे को लेकर तो समुद्र के किनारा था उसके बाद में कार खड़ा किया और बच्चे ने देखा बोले गए मामा मैं भी जाकर उधर खेलना चाहता हूँ समुद्र के किनारे में माँ बोली इतना बड़ा गाड़ी है गाड़ी के अंदर ही खेलो बेटा हा? बच्चा बोला नहीं नहीं मुझे बाहर जाकर खेलने की के इच्छा है तो माँ ने बोला तुम किनारे में जाओगे तो समुद्र के अंदर चले जाओगे मर जाओगे हाँ वो बोला नहीं 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 मैं प्रॉमिस करता हूँ समुद्र के निकट कभी नहीं जाऊँगा मैं हाँ मैं सिर्फ किनारे में खेलूंगा रेत का महल बनाएंगे हैं ठीक है माँ ने छोड़ा उसको अभी गाड़ी के अंदर जो है विहित कर्म है किनारे में खेलना काम्य कर्म है और समुद्र के अंदर चले जाना निश्चित कर्म है आपने इस तरह है तो अभी राजा लोगों के लिए उन दिनों में एक पत्नी धारण एक पत्नी पर धारण करना विहित कर्म है हाँ कुछ कुछ लोग तीन चार विवाह के जैसे अभी दशरथ के तीन पटराणियाँ आती हैं वो काम्य कर्म है वेश्या के पास जाना निषिद्ध कर्म है ऐसे बताया शास्त्र बताते हैं ऐसे इस तरह से अभी ब्रह्मचारी हैं मंदिर में आपको बोलेंगे आप पुजारी सेवा करो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो क्लीनिंग करो आप करेंगे ये सब चीज़ लेकिन आपका काम कर्म क्या है मुझे हारमोनियम सीखना है हा? मुझे मृदंग सीखना है मुझे गाने के लिए सीखना है हा? वो आपके पर्सनल टाइम में आप कर सकते हो हा? फ्री टाइम में हा? तो हमारा खुद की इच्छा भी होता है और अधिकारी भी कुछ सेवा दे अधिकारी दिया हुआ सेवा भी हित कर्म है खुद की इच्छा लेकर लेकिन खुद की इच्छा प्रभुपाद जी के मिशन के अम्ब्र्ला के अंडर होना चाहिए उसके बाहर नहीं होना चाहिए कोई मुझे थोड़ा संस्कृत सीखना है थोड़ा इस तरह मुझे राग सीखना है जैसे एक बार इस वाले निरंजन महाराज आए थे चौपाटी में गौरंग प्रभु ने देखा वो ऐसे ये बजा रहे हैं क्या बोलते हैं उसको हारमोनियम में ही प्लेस दिस स्पेशल ट्यून्स हैं वो इतने प्रभावित हुए तुरंत गौरंग प्रभु नेक्स्ट तो वन आर टू मंथ्स रोज अभ्यास करना चालू कर दिया उन्होंने वो ट्यून्स हैं इस तरह तो इस तरह कुछ कुछ भक्तों की इच्छा होता है आचार्यों की टीका पढ़ना है तो लेकिन ये सब काम्य कर्म है हमारे पर्सनल टाइम में हम कर सकते हैं लेकिन निषिद्ध कर्म क्या है एक ब्रह्मचारी को अवैध संग नहीं करना चाहिए और इस तरह का नशा नहीं लेना चाहिए और आश्रम के विधि विद्य, विधियों के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए सो गोइंग फ्रॉम देर इज अ वाइट जोन ग्रे जोन ब्लैक जोन है वाइट जोन क्या है विहित कर्म ग्रे जोन काम्य कर्म। ब्लैक जोन निषिद्ध कर्म जैसे संस्कृत को सीखना चाहता है हम ज़्यादा इंकरेज नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कि बेसिक संस्कृत सीखो नो no प्रॉब्लम पर संस्कृत में ज़्यादा घुसने से खतरनाक खतरा क्या है कोई पंडित बन जाता है लेकिन भक्त नहीं बनता है कभी कभी है? और गर्व भी चढ़ जाता है उसको ऐसे ऐसे देखा गया है उसको उसको लगता है कि सब बेवकूफ़ हैं मुझे छोड़कर हैं लगता है उसका है? वो ब्लैक जोन में चला जाता है वो क्योंकि अपराध करके निकल जाता है वो हम इसलिए ग्रे जोन थोड़ा डेंजर है काम्य कर्म में लेकिन बच्चा जब तक माँ की बात मानता है वो ग्रे जोन डेंजर नहीं है उसके लिए करेक्ट है ना हाँ तो इस तरह वही बताते हैं इधर शुद्ध भक्त समस्त तो कामान शब्द द्योतक है यौन आकर्षण तथा संतान घर इत्यादि के रूप में गौंड उत्पादों का भौतिक जगत में या उनकी इच्छा इतनी प्रबल होती है कि कभी कभी भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा निष्ठावान भक्त भी यौन आकर्षण से या पत्नी तथा संतान के लिए बची हुई भावना से विचलित हो उठता है इसका मतलब क्या है क्या एक पुरुष अपने पत्नी बच्चों को प्रेम नहीं दिखा सकता है क्या गलत है क्या हा? अगर इसका में कभी कभी ऐसे हुआ है जब विवाह हुआ है, एक पति पत्नी पति गंभीर भक्त है, है उसको डर है कि मेरी पत्नी माया है मेरे लिए हैं इसलिए क्या करता है विवाह होने के बाद एकदम जैसे कोई ऋषि मुनि जैसे कड़क रहता है उसे बात भी नहीं करता है प्रातःकाल में भाग जाता है मंगल आरती के लिए है? और दिन भर मंदिर में नहीं तो कंपनी में जाता है रात को आने के बाद जल्दी सो जाता है, है? तो पत्नी सोचे कि विवाह किस लिए किया इसने है? प्रेम से दो शब्द भी बात नहीं करता है, है? बैठ कर बात नहीं करता है हमको सोचता है कि हम बड़े माया माया हैं तो वो जाकर अपने मायका में जाकर रोती है क्या हमने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह दिया क्या आपने ऐसे ये एक, एक एक्सट्रीम होता है अब दूसरा एक्सट्रीम क्या होता है ये एक व्यक्ति विवाह करने के बाद मंदिर में दिखाई नहीं देता है, है? आप पूछो किधर गया अभी हैं वो बीबी को लेकर घूमता है गामता है इधर बोलता है कि अभी हमको सेटल करना है अभी अभी विवाह हुआ है हैं घर खरीदना है गाड़ी खरीदना है और बड़ा नौकरी है मंदिर में आएंगे तो आप लोग पकड़ेंगे हमको हा? अभी हम थोड़ा सेंस ग्रेडुकेशन करके बाद में हम आएंगे तीन साल के बाद जाता आता ही नहीं है हा? वो ये पेंडुलम का ये एक्सट्रीम है तो भागवत में क्या सीखा गया है बी अफेक्शनेट बट नॉट बी अटैच्ड बी अफेक्शनेट बट नॉट बी अटैच्ड बी डिटैच्ड बट नॉट बी इनडिफरेंट हैं तो ये बहुत बड़ा विषय है एक लेक्चर मैंने कुछ समय के पहले दिया द टाइटल ऑफ द लेक्चर इज़ डीलिंग विद पेरेंट्स फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैं उसमें इसी विषय के ऊपर मैं लंबे तरीके से समझ आया हूँ हाउ टू बी अफेक्शनेट टू मटेरियल रिलेटिव्स एंड नॉट बिकम अटैच जैसे अभी ये ध्रित अटैच हो गया था दुर्योधन से हाँ उतानापात अटैच हो गया था सुरुचि से इस तरह हमें अटैच नहीं होना चाहिए हा? लेकिन हमें अफेक्शनेट होनी चाहिए अफेक्शनेट मीन्स वॉट यू एक्सप्रेस अफेक्शन हस्बैंड नेचुरली एम्बरेस द वाइफ आर द चिल्ड्रन ही सिट्स विद एंड स्पेंड्स टाइम ही द फाइनेंस ऑफ द फैमिली ही प्लान्स एक्टिविटीज हैं एक पति जरूर पत्नी और बच्चों को अपना प्रेम प्रकट करता है hmm? उनके साथ समय बिताता है और एक घर गृहस्थी में रहकर अपने कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करता है जैसे उनके कुछ नाता रिश्ता के घर में जाना होता है उनके घर में जाकर मिलना पड़ता है इसे उसको सोशल कनेक्टिविटी अभी भी है, है? क्योंकि स्त्रियों को इसकी ज़रूरत है कुछ स्त्रियों को हाँ और साथ साथ भक्ति में घटा नहीं आता उदाहरण के लिए खर्दमुनी खरदमुनी hmm? एरियल मैंशन बनाया पत्नी के लिए उनको प्लेशर वैलेस में लेकर गए हैं लेकिन खुद एकदम अपने आध्यात्मिक स्तर को मेंटेन किया तो इस तरह हम पुरुष जो होता है ही शुड लर्न टू बी अफेक्शनेट बट ही शुड लर्न द आर्ट ऑफ इंटरनली बींग डिटैच इन सच अ मैनर तर उसको मालूम होना चाहिए कि मेरी पत्नी एक जीवात्मा है मेरे बच्चे भी जीवात्मा है भगवान ने मेरे कस्टडी में डाला है उनको और मेरा करते हुए इनको भगवत धाम लेके जाना है लेकिन भगवत धाम लेके जाने के लिए पहले इनको मेरे ऊपर क्या होना चाहिए विश्वास होनी चाहिए वो विश्वास को प्राप्त करने के लिए ही हैज़ टू बी अफेक्शनेट इफ़ इज affectionate विथ दम पत्नी का मतलब अच्छा साड़ी देना आभूषण देना अच्छे नौकरी करके पैसा अर्जित करके लेके आना और अच्छे भोजन देना बच्चे देना हा? और प्रेम से मिलजुल कर रहना और एक पारिवारिक माहौल में योगदान देना ये सब करने से पत्नी को बच्चों को लगे कि ये व्यक्ति जो है इसको परिवार में भी लगन है तो वो भी उनको प्रेम करते हैं जो पत्नी अपने पति को प्रेम करती है तो जब पति भक्ति में आगे बढ़ता वो भी पीछे पीछे आगे बढ़ेगी वो भी आसानी से हुँ? प्रेम से करेगी भक्ति तो एक बार मेरे बहिन ने पूछा हम लोग पुनः आ रहे हैं तभी उस समय वो लोग एक माला करते थे जपा हाँ तब मैंने फ़ोन किया हम लोग पुनः आ रहे हैं पुनः में बच्चों को दिखाने के लिए क्या है मैंने बोला हमारा राजा कुंजवेरी मंदिर है हा? हमने बताया हा? और भी आप निगरी जाएंगे उधर एक राधा गोविंद मंदिर है इस कान का अगर चाहे तो आप मुंबई में भी जा सकते हैं राधा गोपीनाथ मंदिर है राधा रस बिहारी मंदिर है उधर भी मैं आपको लेके जा सकता हूँ वो बोली बस मंदिर ही मंदिर उतना ही है बाकी कुछ नहीं है पुना में हा? तो वो बोली किसी का कॉन्टेक्ट दो मुझे बच्चों को कुछ दिखाना है बोला उन्होंने मुझे तो मालूम नहीं था दूसरा कुछ तो उनको एक गृहस्थ का नंबर दिया बहुत खुश हो गई बाद में मंदिर में आने मैंने पूछा आप एक गृहस्थ से इतना खुश हो गई मैं जब तुमको सुझाव दिया मेरे से कुछ नहीं थी क्या कारण मैंने पूछा वो बोली देखो तुम ब्रह्मचारी हो तुमको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं हैं वो बोले कि वो बच्चों को एक स्नैक पार्क में लेकर गए वो लोग हैं स्नैक पार्क था जैसे दिल्ली में कुछ लोग रेड फोर्ट जाते हैं ताजमहल जाते हैं क्योंकि वो नए हैं भक्ति में दे आर जस्ट वन राउंड दे आर डूइंग सो दे फेल्ट वेरी हैप्पी इन विजिटिंग सम अदर प्लेस ऑल्सो विजाइट इस्कॉन टेम्पल इसकॉन् मंदिर को छोड़कर बाकी भी स्थान में गए अभी वो सोलम करके वो दीक्षा भी हो गया उनका भी अभी तो एकदम गंभीर बन गई बड़ा प्रचारक बन गई अभी एक हफ्ते में चार कार्यक्रम करती है अभी ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया उनका भी हाँ अभी, अभी कैनेडा में रहती है और पूजा आराधना करती है भगवान की विश इज हेडिंग द पुजारी डिपार्टमेंट इन कैनेडा इन वन ऑफ द आटोवा टेम्पल्स लेकिन मैं उनकी शुरुआत के दिनों के बारे में बोल रहा हूँ हाँ शुरुआत में लोगों के अंदर थोड़ा इंद्र की भावना है वी शुड नो द आर्ट ऑफ नॉट चोकिंग दर कृष्णा कॉन्शियसनेस बट वेरी केयरफुली फैनिंग द स्पार्क ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस उनके अंदर जो कृष्ण भावना का चिंगारी है उसको बड़ा करना आ, उनके इंद्र तृप्ति को दबाने के नाम में उनके कृष्ण भवनामृत चिंगारी को बुझाना नहीं चाहिए वेरी केयरफुल दैट इज़ वाई विहित कर्मा काम्य कर्मा निष्ठ कर्मा ये सब बताया मैंने हरे कृष्ण तो सभी शाची प्रभु के बारे में पिछले बार मैं पूछ रहा था आज मिल पाए प्रभु जी को बहुत सालों से प्रभु जी को जानता हूँ प्रभु जी नंदग्राम फार्म में भी बहुत बड़ा योगदान है इनका इजोलिनस भक्ति विकास महाराज इनको बहुत प्रेम करते हैं आनेक बार मैं उनको कुछ प्रश्न पूछता हूँ तो महाराज बोलते, है, बोलते हैं यू टॉक सभी सभ्य प्रभु ऐसे बोलते हैं जंतराम के बारे में मैंने कुछ प्रश्न पूछा उनको आपका नाम दिया महाराज ने तो पुणे में हमने इनको एक बार बुलाया था डार्विन के ऊपर एक लेक्चर दिया उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया डार्विन को हैं बहुत बढ़िया उधर 300-400 बच्चे आए थे विद्यार्थी आए थे ऐसे वेरी पावरफुल प्रीचर एंड आई ऑल्सो कृष्ण प्रभु वेरी वेरी वंडरफुल डिवोटी पिछली बार भी मैं जब भोपाल आया था इधर आपके मंदिर में आया था अभी मैंने सुना कि आपका मंदिर का रिनोवेशन चल रहा है अभी हैं सो इट इज़ ऑलवेज अ ग्रोइंग टेंपल डेवलपिंग टेंपल ब्लिसफुल टेंपल मैंने देखा है हाँ, पहले से भक्त लोग बहुत प्रामाणिकता से ईमानदारी से भक्ति मार्ग का अभ्यास करते हैं बहुत बढ़िया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इधर और हालांकि सोन भक्ति विकास महाराज एक बार आते हैं इधर लेकिन उनके शिक्षा उनके वैल्यू uh, सिस्टम उनके प्रिंसिपल्स uh, जो महाराज ने सिखा है उसको इधर के भक्त लोगों ने पकड़ कर रखा है uh, मैंने सुना कि जब ये प्रॉपर्टी मिला था उनको तब दस ब्रह्मचार्य आए इधर सेलम से करेक्ट है ना एट आर टेन डी के। अभी ये लोगों ने प्रचार करके uh, संख्या को बढ़ाया है कॉन्ग्रेसन बढ़ाया है वेरी वेरी वंडरफुल टू सी तो प्रप जी के शुरुआत के दिनों में हमारे संस्था में कितना तीव्रता थी उसी तरह की तीव्रता भक्ति का स्वामी के शिष्यों में है मैंने देखा हूँ अटलांटा में भी इधर भी हैं जिधर भी महाराज के शिष्य हैं महाराज उनको सिखाते हैं कैसे एक तीव्रता के साथ भक्ति करे ब्रह्मचारी हो नहीं तो गृहस्थ भी क्यों ना हो तो अच्छी तरह वो महाराज प्रशिक्षण देते हैं आई ऑलवेज आई एम वेरी ईगर टू लर्न हाउ महाराज ब्रिंग्स अबाउट दिस काइंड ऑफ सीरियसनेस इन द मूड ऑफ द डिजाइपल्स एंड फिक्सिटी एंड डिटर्मिनेशन एंड कन्विक्शन एंड कमिटमेंट एंड प्योरिटी हाँ तो इस तरह के चीज़ों से मैं बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि मेरे जीवन में सर्वप्रथम जुगुमें भक्तिविश महाराज को गुरु पूजा में नाचते हुए देखा इज़ द फर्स्ट पर्सन आई सान इस्कॉान टेम्पल हाँ इस्कान मंदिर में तो गा भी रहे थे नाच भी रहे थे वो So, his enthusiasm is permeating his disciples so wonderfully. I feel very blessed and fortunate to get all of your association. Thank you. Hare Krishna.